नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 अप्रैल, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्राइवेट स्कूलों की तरह अब सरकारी स्कूलों में भी होंगे ओलंपियाड और क्विज। मोबाइल हैकर बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाने वाले 9 लोगों को ईओयू ने दबोचा। बिहार के इस जिले में युवराज सिंह खोलेंगे बिहार का पहला क्रिकेट अकेडमी। अमरजीत चैकर का एक और गाना हो रहा वायरल। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची हार्दिक पांड्या की टीम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय स्टेट बैंक में 217 पदों पर वैकेंसी। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 217 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस वैकेंसी में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन योग्यता, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा के लिए भारतीय स्टेट बैंक के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए विस्तृत नोटिफिकेशन पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 मई 2023 तक निर्धारित की गई है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों की तरह अब सरकारी स्कूलों में भी होंगे ओलंपियाड और क्विज। परंपरागत पढ़ाई से अलग अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में बिहार के 78,543 सरकारी विद्यालयों के बच्चों को शामिल किया जाएगा। साथ ही देश दुनिया में चल रहे प्रतियोगी परीक्षाओं का भी उन्हें हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, ताकि प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की तरह वे भी अप टू डेट रह सके। इसके लिए क्विज, ओलंपियाड और क्रॉसवर्ड का आयोजन सरकारी स्कूलों द्वारा किया जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से कार्य योजना की तैयारी की जा चुकी है, ताकि ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में सरकारी स्कूलों के बच्चों के सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। साल 2023 से 24 के शैक्षणिक सत्र से इसकी शुरुआत करने की योजना सरकार की तरफ से बनाई गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे जानकी वल्लभ शास्त्री के बारे में। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी व संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक थे। उन्होंने 2010 में पद्मश्री सम्मान लेने से मना कर दिया था। इसके पूर्व 1994 में भी उन्होंने पद्मश्री नहीं स्वीकारी थी। वे छायावाद उत्तर काल के सुविख्यात कवि थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था। आचार्य का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है। वे थोड़े से कवियों में रहे हैं जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों से बहुत मान सम्मान मिला है। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी में आए। शास्त्री मूलतः गीतकार है और इनके गीतों में छायावादी गीतों की ही संस्कार शेष है। विविध वर्णी रसभावों में संकलित कोई 1500 गीतों का प्रणयन इन्होंने किया है। परंपरागत दर्शन, संवेदन और भाषा से निर्मित ये गीत उत्तर छायावाद युग के गीतों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और इनका अपना अलग आकर्षण है। आधुनिक सुविधाओं से लैस आईएएस ऑफिसरों के क्वार्टर का मुख्यमंत्री ने किया मुआयना। बिहार में सीनियर अफसरों को शनिवार के दिन बिहार सरकार द्वारा आवास दिया गया है। बता दें कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग संयुक्त सचिव के स्तर से ऊपर के अफसरों को मिली है। यह भवन शास्त्री नगर इलाके में बने हुए हैं, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने के साथ साथ काफी स्पेसियस भी है। बिल्डिंग में फायर सिस्टम लगे होने के साथ साथ यह भूकंप विरोधी भी है। यह भवन पटना के VIP इलाकों के पास ही बनाया गया है। इन बिल्डिंग्स का मुआयना खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बीते दिनों किया गया। नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, साथ ही विजय चौधरी भी मौजूद थे। मोबाइल हैकर बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाने वाले 9 लोगों को ईओयू ने दबोचा। इन दिनों बिहार में साइबर अपराधियों को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के नवादा का है, जहां बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा गिरोह का खुलासा करते हुए बताया गया कि मोबाइल हैकर पीड़ित के बैंक अकाउंट से ऑनलाइन सोने के सिक्के खरीदने वाले पकड़े गए हैं। इस दौरान आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा छापेमारी कर गिरोह के 7 सदस्यों सहित पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें बिहार की राजधानी पटना लाया गया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि सभी साइबर अपराधी अकाउंट से रुपए उड़ाकर सोने के सिक्के खरीदा करते थे। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी के बारे में। पटना में स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी अरबी, फारसी, उर्दू, पांडी लिपियों और मुगल, राजपूत, तुर्की, ईरानी और मध्य एशियाई स्कूलों के दुर्लभ चित्रों के प्रमुख भंडारों में से एक है। लाइब्रेरी लैन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ईमेल सुविधाओं से लैस है। माँ भारती के एक महानतम पुत्र खुदा बख्श के द्वारा 1891 में इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। 1969 में संसद के एक अधिनियम द्वारा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ। जुलाई 1970 से यह भारत सरकार
द्वारा गठित एक बोर्ड के शासन के तहत स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य कर रही है। इसके समृद्ध संग्रह में मौजूद अमूल्य पांडुलिपियों, दुर्लभ मुद्रित पुस्तकों और मुगल, राजपूत, तुर्की, ईरानी और मध्य एशियाई स्कूल के मूल चित्रों के कारण यह पुस्तकालय दुनिया भर में ख्यातिया लब्ध है। यह एक उत्कृष्ट शोध पुस्तकालय के रूप में उभरा है, जहाँ बड़ी संख्या में दुर्लभ पांडुलिपियां मौजूद है, जिनमें से कुछ बहुत प्रसिद्ध हुई। बिहार के इस जिले में युवराज सिंह खोलेंगे बिहार का पहला क्रिकेट एकेडमी। बिहार की पहली क्रिकेट एकेडमी खोलने की घोषणा पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा की गई है। बता दें कि बिहार के पूर्णिया जिले के एक स्कूल में युवराज सिंह आए थे, जहां उन्होंने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के युवा क्रिकेटरों को अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, इसी उद्देश्य से क्रिकेट अकेडमी की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि इस अकेडमी में बच्चों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के बच्चों को अब क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अकेडमी को खोलने के लिए जगह का निरीक्षण खुद युवराज सिंह ने पूर्णिया में किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वे खुद खिलाड़ियों को इसकी ट्रेनिंग देंगे। अमरजीत जैकर का एक और गाना हो रहा वायरल। जब से अमरजीत जैकर का सोशल मीडिया पर गाना वायरल हुआ है, तब से उनकी किस्मत ही बदल गई है। कई बड़े बड़े सिंगर्स की तरफ से उन्हें ऑफर भी मिला। अब इस कड़ी में सोशल मीडिया पर अमरजीत जैकर का एक और गाना वायरल हो रहा है। दरअसल ये गाना पसूरी का भोजपुरी वर्जन है। इन्होंने अपने गाने को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। उनके इस गाने पर कई लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि उनकी यह आवाज़ भोजपुरी की शान बढ़ाने वाली है। लोग इस गाने को काफ़ी शेयर करते भी दिखाई दे रहे हैं। अब फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों का भी होगा सर्वे। फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों का भी अब बिहार सरकार के तरफ से सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे होने के बाद कुल 13 विभागों इन बच्चों के पुनर्वास के लिए जुट जाएंगे। बता दें कि बच्चों के सर्वे की योजना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाई गई है। ऐसे में सर्वे के बाद उनका पुनर्वास सुनिश्चित होगा, तो उन बच्चों को काफ़ी फायदा भी मिलेगा। जैसे उन्हें कई बुनियादी सुविधाएं मिल जाएंगी, साथ ही उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए घर भी मिलेगा। बताते चले कि यह योजना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की तरफ से किया गया है। जानकी नवमी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा की मांग। बीते दिन बिहार में जानकी नवमी का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के द्वारा पूरे देश के लोगों को बधाई देते हुए एक ट्वीट कर जानकी नवमी को लेकर अपनी मांग रखी गई है। ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार की तर्ज पर पूरे देश में भी जानकी नवमी का अवकाश हो। उन्होंने कहा कि देश में जिस भव्यता के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, उसी भव्यता के साथ जगजननी माता जानकी जी के प्राकृतोत्सव पर्व की भी इतनी चर्चा क्यों नहीं होती। उन्होंने कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आभारी हैं, जिन्होंने बिहार में जानकी नवमी पर्व पर राजकीय अवकाश घोषित करने की शुरुआत की और एक नई पहचान दी। बिहार देश का पहला राज्य है जहां जानकी नवमी पर सार्वजनिक अवकाश की व्यवस्था है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि बिहार की तरह ही पूरे देश में जानकी नवमी पर सार्वजनिक अवकाश होता, कि इस पर्व को भी रामनवमी की तरह ही पूरे देश में लोकप्रियता मिले। शराबबंदी नियमों में हुआ बदलाव। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन अब इसे लेकर मध्य निषेध के नियमों में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। अब जिस गाड़ी में शराब लदा हुआ मिलेगा, उस गाड़ी के मालिक इसका फायदा ले सकेंगे। दरअसल जन्दबाजी में अब उन्हें अभियुक्त नहीं बनाया जाएगा, जिनके वाहन में शराब लदे मिले थे। बता दें कि विभाग को अब बिना जाँच और सत्यापन के वाहन के मालिकों को आरोपी बनाने से बचना होगा। कई बार इस मामले में असहजता का सामना मध्य निषेध विभाग को भी करना पड़ जाता है, इसलिए मध्य निषेध विभाग की तरफ से निर्देश जारी हुआ है, जहाँ जो वाहन शराब के साथ पकड़े गए हैं, उनके मालिकों को पूरे जाँच और सत्यापन के बाद ही अभियुक्त बनाया जा सकेगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने गया में किया पिंडदान। गया, जिसे मोक्ष की धरती के नाम से भी जाना जाता है, वहां बीते दिन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेडकर के द्वारा गया के विष्णु मंदिर में पहुंचकर पिंडदान प्रदान किया गया। बता दें कि जब पहली बार है जब बिहार का राज्यपाल का पदभार संभालने के बाद राजेंद्र विश्वनाथ गया पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने विष्णुपद में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह के दर्शन किए और उसके बाद अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। वहीं इस दौरान विष्णुपद प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने एक मांग पत्र राज्यपाल को सौंपा है, जिसमें यात्रियों के विष्णुपद में भीड़ को देखते हुए काशी की तरह गया जी को भी कॉरिडोर की तरह बनाए जाने की मांग की गई है। 3 और 4 मई को औरंगाबाद में होगा एथलेटिक्स चयन प्रतियोगिता का आयोजन। नवासमी राज्य ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वावधान में किया जाना है। बता दें कि 3 और 4 मई को गेट स्कूल मैदान में उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए औरंगाबाद जिले में खिलाड़ियों का चयन प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। सुबह 8 बजे से इस प्रतियोगिता की शुरुआत की जाएगी। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव राकेश कुमार राय के तरफ से यह जानकारी दी गई है कि अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 20, साथ ही पुरुष महिला वर्ग के लोग इस एथलेट में हिस्सा ले सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार इस प्रतियोगिता में 60 मीटर दौड़ से लेकर 5000 मीटर दौड़ और लंबी कूद, ऊंची कूद, तिहरी कूद, गोला फेंक, चक्का फेंक व जेवलिन थ्रो जैसे खेल आयोजित किए जाएंगे। आनंद मोहन के जेल से रिहाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती।
अब सुप्रीम कोर्ट तक बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन के रिहाई का मामला जा चुका है। दरअसल आनंद मोहन को दोबारा जेल में डालने की मांग करते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी श्री कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि जेल मैनुअल में बदलाव कर पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल से रिहा किया गया था। श्री कृष्णैया की पत्नी द्वारा कहा गया है कि गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद को हुई आजीवन कारावास की सजा का मतलब उसके पूरे प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास है और इसे केवल 14 साल तक नहीं रखा जा सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पहले दोषी को फांसी की सजा हुई थी, फिर उसे उम्र कैद में बदल दिया गया, लेकिन अदालत के इस फैसले का सख्ती से पालन नहीं किया गया और उसे रिहा कर दिया गया। इसलिए अदालत का निर्देश सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और ये छूट के आवेदन से परे होना चाहिए। प्रगतिशील लेखक संघ का राज्य सम्मेलन 13-14 मई को बिहार की राजधानी पटना में स्थित अंजना सामाजिक अध्ययन संस्थान में 13 और 14 मई को प्रगतिशील लेखक संघ का 17 बिहार राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया है। बता दें कि सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से अनेक भाषाओं के लेखक शामिल होने वाले हैं और इसके साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों से भी प्रगतिशील लेखक संघ के सैकड़ों प्रतिनिधि लेखक शामिल होंगे। मालूम हो कि यह 2 दिनों तक चलने वाला बिहार राज्य सम्मेलन कार्यक्रम को 6 सत्रों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत 13 मई को शाम में कवि सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वरिष्ठ और युवा कवि शामिल होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संगठन की स्थापना सम्मेलन महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद के अध्यक्षता में वर्ष 1936 में हुई। वहीं बिहार में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला राज्य सम्मेलन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा 1944 में उद्घाटन किया गया था। सूडान से भारत लाए जा रहे यात्रियों के लिए बिहार सरकार की विशेष व्यवस्था। इन दिनों सूडान में चल रहे गतिविधि से पूरा देश अवगत है। बता दें कि इस दौरान वहां देश के कई राज्यों के लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं वैसे लोग जो बिहार मूल के हैं और भारत वापस लाए जा रहे हैं, उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा एक विशेष व्यवस्था की गई है। बता दें कि इस व्यवस्था के तहत उनके लिए एक विशेष हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है, जिसके तहत बिहार सरकार उन लोगों को अपने खर्च पर दिल्ली और मुंबई से बिहार लाने का काम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूडान से लौटने वाले बिहार के निवासियों के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली द्वारा नई दिल्ली एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है और ठीक ऐसे ही हेल्प डेस्क की व्यवस्था मुंबई एयरपोर्ट पर भी की जा रही है। मौसम विभाग का अलर्ट। बिहार के कई इलाकों में अभी मौसम सुहाना बना हुआ है। राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 2 मई से पटना समेत पूरे प्रदेश में बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बिहार में बारिश की गतिविधियां उत्तरी बिहार की अपेक्षा ज्यादा रहेंगी। 2 दिन बाद यानी 1 और 2 मई को मौसम विभाग ने बिहार के 38 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। निर्धारित सीमा से अधिक राशि निकालने पर 826 प्राथमिक स्कूलों की होगी जांच। स्कूलों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक राशि निकासी का मामला समग्र शिक्षा के अंतर्गत सामने आया है। राज्य में मौजूद 826 प्राथमिक विद्यालयों को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा चिन्हित किया गया है। इन विद्यालयों पर निर्धारित सीमा राशि से अधिक राशि निकालने के आरोप है, जिसे लेकर जांच की जाएगी। सहायक अभियंता, लेखा पदाधिकारी या लेखापाल और संभाग प्रभारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा गठित जांच दल शामिल किया गया है। वहीं जांच दल के सदस्यों को जिला स्तर सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम द्वारा नामित किया जाना है। बिहार के पटना में इस दिन लगेगा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। अब बिहार में भी बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगने जा रहा। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यह दरबार पहले पटना के गांधी मैदान में लगने वाला था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम करवाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके कारण अब यह दरबार नौबतपुर गोपालपुर मार्ग पर तरेत वाली स्थान के नजदीक किया जा रहा। बता दें कि आयोजन बिहार बागेश्वर फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस आयोजन में पड़ोसी राज्य के लोग भी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हनुमंत कथा का आयोजन 13 से 17 मई तक किया जाना है। चिराग पासवान ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कही बात। सांसद चिराग पासवान के द्वारा बीते दिन मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के लाल और बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले को दबाने वाले नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को बिहार के लोगों का विकास देखा नहीं जाता है, इसलिए नीतीश कुमार महापुरुषों की धरती को खराब करने का काम कर रहे हैं और लज्जित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि बिहार के लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। सिर्फ नीतीश के उदासीन रवैये के कारण ही सुशांत सिंह राजपूत का मामला दब गया। अगर वह बिहार के लोगों की अहमियत को समझते तो शायद आज उनको न्याय मिल चुका होता। नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले को उठाया भी नहीं था। अगर बिहार के मुख्यमंत्री चाहते तो उन्हें न्याय जरूर मिलता। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची हार्दिक पांड्या की टीम। बीते दिन आईपीएल के 16वें सीजन के 39वें मैच में कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला गया। मुकाबले में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम गुजरात टाइटंस के द्वारा नीतीश राणा की कप्तानी वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से मात दी गई और इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस यानी कि हार्दिक पांड्या की टीम अंक तालिका में सबसे टॉप पर पहुंच गई है। बता दें कि गुजरात +0.638 नेट रन रेट के साथ सबसे पहले स्थान पर विराजमान है। आपकी जानकारी
लिए बता दें कि अब तक इस लीग में गुजरात के द्वारा 8 मैच खेले गए हैं, जिनमें से उन्होंने 6 मुकाबले में जीत दर्ज की है, तो वहीं 2 मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय नौसैनिक 1863 में ब्रिटिश नौसेना में भेजे गए। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के मजिस्ट्रेट की हत्या करने के लिए 1908 में बम फेंका। 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारतीय उपमहाद्वीप को 2006 में मिली। चालक रहित विमान लक्ष्य का 2008 में उड़ीसा के बालासोर जिले के चांदीपुर समुद्र तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। हिंदी चलचित्रों के सदाबहार अभिनेता देव आनंद को 2010 को मुंबई में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था प्राण को फाल्के आइकन से सम्मानित किया गया। 1870 में भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं पटकथा लेखक दादा साहेब फाल्के का जन्म हुआ। पलखर में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा पर 5% कर के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा पर 5% कर के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक ट्वीट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने हाल के बजट में स्वास्थ्य सेवा पर 5% कर का प्रस्ताव किया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है। ट्वीट के साथ संलग्न पत्र वर्ष 2011 का है और इसे गलत संदर्भ में शेयर किया जा रहा है। फेसबुक फोटो और वीडियो को गूगल फोटोज पर ऐसे करें सुरक्षित। अगर आप भी अपने फेसबुक फोटो और वीडियो को गूगल फोटोज में सुरक्षित करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अपने फेसबुक अकाउंट में लॉग इन करें। अब ऊपरी दाएं कोने से प्रोफाइल आइकन पर टैप करें और सेटिंग्स और प्राइवेसी पर जाएं। इसके बाद सेटिंग्स पर जाएं और प्राइवेसी चुनें। अब योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन बटन को टैप करें। इसके बाद आपको व्यू के पास के ट्रांसफर और कॉपी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन बटन पर टैप करना होगा। अब आप गूगल फोटोज विकल्प का चयन करें। इसके बाद उस पेज पर सेलेक्ट व्हाट टू ट्रांसफर विकल्प पर क्लिक करें और अपने कंटेंट का चयन करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब कनेक्ट के तहत कनेक्ट विद गूगल फोटोज पर क्लिक करें और अपने गूगल अकाउंट की जानकारी के साथ लॉगिन करें। गूगल डॉक्स को फेसबुक से कनेक्ट करने के लिए अब अपने गूगल क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके साइन इन करें। कनेक्ट होने के बाद स्टार्ट ट्रांसफर लिंक फेसबुक पर दिखाई देगा। अब कुछ सेट करने के बाद स्टार्ट ट्रांसफर बटन दबाएं और अपना फेसबुक पासवर्ड दर्ज करें। IRCTC कर रही देखो अपने देश की शुरुआत। अगर आप भी अपने देश से अवगत होना चाहते हैं, तो आपके लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। IRCTC क्षेत्रीय प्रबंधक अरविंद कुमार चौधरी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इसमें भारतीय रेलवे रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायत प्रदान की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुल यात्रा 11 रात और 12 दिन की होंगी, जिसकी शुरुआत 20 मई से कोलकाता से होगी। वहीं 31 मई को यह ट्रेन वापस लौट आएगी। इस दौरान 20 से 31 मई के बीच यात्रियों को देश के कई स्थानों का दर्शन करवाया जाएगा। इच्छुक यात्री IRCTC की वेबसाइट पर जाकर यात्रा भारत गौरव में अपनी बुकिंग करा सकते हैं। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है महेंद्र कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, शंकर मुखिया, सदुल्ला पलवी, अनिश मेहता, अली रेहान, रवि कुमार राम, रविशंकर, विनय कुमार, मंजय कुमार, सीता कुमारी, समर सिंह, दया शंकर, प्रशांत सिन्हा, रजनीश, अनिल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सरकारी स्कूलों में ओलंपियाड और क्विज के आयोजन होने पर छात्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।